हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत कर रहा हूँ आप लोगों का। आज पढ़ेंगे 8th क्लास का एक चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। ये कहानी है बिपिन चौधरी नाम के एक व्यक्ति की, और उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो याददाश्त है, अचानक चली जाती है। तो इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से उस व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और उसके साथ में कौन कौन सी घटनाएं कैसे कैसे घटित होती है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। हर मंडे को विपिन चौधरी जब भी अपने काम से लौटते हैं तो वो कालीचरण में एक नया मार्केट है, वो वहां हमेशा जाते हैं। वहां वो हमेशा किताबें खरीदने का काम करते हैं। उन्हें किताबें पढ़ना बहुत ही अधिक पसंद है। विपिन बाबू को क्राइम स्टोरीज, भूतों की कहानियां, रोमांचकारी कहानियां और भी बहुत सारी कहानियां पढ़ने का बहुत अधिक शौक है। कम से कम 5 किताबें वो एक सप्ताह के लिए खरीद लेते हैं और वो उन्हें पढ़ लेते हैं। वो हमेशा अकेले रहते हैं और ये उनका नेचर है कि वो लोगों से बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं है और वो बहुत जल्दी लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि अपने दिन को यूं ही बेकार करें, इससे अच्छा है कि वो किताबें लेके आएं और उनके साथ में अपना अच्छा समय व्यतीत करें। आज जब विपिन बाबू ये किताबें खरीद रहे थे तो उन्होंने ध्यान दिया, एक व्यक्ति दूर से खड़ा हुआ उन्हें थोड़ा घूर रहा था और थोड़ी देर बाद में वो व्यक्ति मुस्कुराने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? विपिन बाबू ने कहा, क्या हम पहले मिले हैं? वो आदमी बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हाँ हम लोग बिल्कुल मिले हैं। उस व्यक्ति ने कहा, हम 7 दिनों के लिए लगातार मिले हैं और मैंने आपके लिए एक कार की व्यवस्था की थी ताकि आप हुड्रो फॉल्स जो है वहां जा सके। 1958 की ये बातें हैं और ये बातें हैं रांची की, और मेरा नाम परिमल घोष है। विपिन बाबू ने कहा, रांची? अब विपिन बाबू को इन बातों पे बड़ा ही संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि ये जो व्यक्ति है, ये मुझे कोई दूसरा व्यक्ति समझ रहा है, क्योंकि विपिन बाबू तो कभी भी रांची नहीं गए हैं। हाँ, उन्होंने कई बार रांची जाने का प्लान जरूर बनाया, लेकिन वो कभी इस प्लान में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, क्या आप मुझे जानते हैं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या पूछा? क्या मैं आपको जानता हूं? आपको कौन नहीं जानता विपिन चौधरी, आपको मैं बिल्कुल पूरी तरह से जानता हूं। अब विपिन बाबू बड़े सकते में आ गए, ये व्यक्ति तो मुझे जानता है, फिर भी ये मेरे बारे में, रांची की जो यात्रा है उसके बारे में क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं रांची तो कभी भी नहीं गया। तो विपिन बाबू ने कहा कि हो सकता है आप मुझे जानते होंगे, लेकिन मैं रांची कभी भी नहीं गया। और ऐसा कहने पर वो जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा हंसने लगा। मिस्टर चौधरी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको याद नहीं, हुडरो में आप गिर गए थे और आपके घुटने के पास चोट लग गई थी। मैं आपके लिए आयोडीन भी लेके आया था और मैंने आपके लिए एक कार की व्यवस्था भी की थी ताकि आप नेटर हेड जा सकें अगले दिन, लेकिन आप जा नहीं पाए क्योंकि आपको चोट लगी हुई थी। क्या आपको कुछ याद आया? विपिन बाबू कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, क्योंकि उन्हें इतना याद था कि वह कभी भी रांची नहीं गए थे, परंतु ये जो व्यक्ति है वो उनसे साफ साफ कह रहा है कि आप रांची गए थे, आपके साथ में ये घटनाएं घटी थी और आपको इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। उस व्यक्ति ने विपिन बाबू से कहा, विपिन बाबू, उस समय एक व्यक्ति और था जो कि रांची में था, वो व्यक्ति भी आपको अच्छी तरह जानता है और उस व्यक्ति का नाम है दिनेश मुखर्जी। आप एक बंगलो में रुके थे क्योंकि होटल का खाना आपको पसंद नहीं है और आप बावर्ची का खाना पसंद करते थे, और मिस्टर मुखर्जी जो है वो अपनी बहन के साथ में रुके हुए थे, और एक दिन आप लोगों की मून की जो लैंडिंग होती है
उसके बारे में भी काफी बहस हुई थी। क्या आपको याद है या कुछ और भी आपको बातें बताऊं कि आप हमेशा अपने पास एक बैग रखा करते थे जिसमें आपकी किताबें हुआ करती थी, क्या मैं सही हूं या नहीं हूं? विपिन बाबू है इन बातों को सुन के बड़ा ही चकित रह गए। अब विपिन बाबू ने उनसे पूछा कि 58 में कौन से महीने के बारे में बात कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। विपिन बाबू ने कहा नहीं, अक्टूबर में तो मैं नहीं गया क्योंकि मैं उस समय मेरे मित्र के साथ में कानपुर एक पूजा में गया हुआ था। महोदय आपसे कोई भूल हुई है, गुड डे, अलविदा, मैं चलता हूँ। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो वहाँ रुका नहीं, वो मेरे पीछे पीछे आता रहा। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा विपिन बाबू क्या आपको ये भी याद नहीं, एक दिन मैं आपके बंगलों पे आया था और आपके साथ चाय पी थी और आपने अपने परिवार के बारे में भी मुझे बताया था। आपने कहा था आपके कोई बच्चे नहीं है और 10 साल पहले आप अपनी पत्नी को खो चुके हैं, आपका एक ही भाई है जो मर चुका है और वो भी पागल था और इसी कारण से रांची के मेंटल हॉस्पिटल आप गए थे। जब विपिन बाबू ने अपनी किताबों का पेमेंट कर दिया तो वो तुरंत उस दुकान को छोड़ के चले गए और उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, वो चुपचाप आगे बढ़ गए। विपिन बाबू की जो कार है वो बहुत ही सावधानी से बर्ट्रम स्ट्रीट में पार्क की गई थी जो कि लाइट हाउस सिनेमा के पास में है। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा फटाफट गाड़ी में बैठो सीताराम और गंगा की तरफ चलो। वो सीधे वहां जाते गए और विपिन बाबू जो है वो ये जो अनजान व्यक्ति था उसकी बातों में किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो कभी भी रांची नहीं गए थे, इसलिए इस बारे में कोई भी सवाल नहीं उठता। लेकिन विपिन बाबू ये सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 6-7 साल पहले मेरे साथ जो घटना घटी मैं उसे भूल सकता हूँ क्योंकि मेरी तो ये जो याददाश्त है वो बहुत ही अच्छी है। अब विपिन बाबू का सर जो है वो चकराने लगा। विपिन बाबू सोचने लगे क्या वो पागल होते जा रहे हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऑफिस में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और उनका काम बहुत जिम्मेदारी भरा है और वो अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करते और वो कोई भी काम गलत नहीं करते। आज ही उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी अटेंड की है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। विपिन बाबू को ये बात परेशान कर रही थी कि इस व्यक्ति को मेरे बारे में इतनी जानकारी कहाँ से मिली, इतनी जानकारी तो केवल मेरे घनिष्ठ दोस्तों को ही हो सकती है, उसने मेरी पत्नी के बारे में, मेरे पागल भाई के बारे में सब कुछ बता दिया और उसने जो कुछ कहा वो सब कुछ सही था, केवल रांची की जो यात्रा है उसके अलावा सारी बात उसने सही कही और जहां तक मुझे याद है 58 में तो मैं पूजा में गया हुआ था कानपुर में और मेरा जो फ्रेंड है हरिदास बागची उसके घर में गया हुआ था। विपिन बाबू ने एक बार सोचा क्यों ना हरिदास बागची को मैं पत्र लिखे ये बात पूछ लेता हूँ। फिर अचानक विपिन बाबू को याद आया हरिदास अपनी पत्नी के साथ में जापान चले गए हैं कुछ समय पहले ही, इसलिए उनको पत्र लिखने का या उनसे कंफर्म करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन विपिन बाबू ने सोचा कहीं भी किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे पूरा पूरा याद है कि मैं रांची बिल्कुल भी नहीं गया था। विपिन बाबू अपनी गाड़ी में थे, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, अचानक विपिन बाबू के मन में एक सवाल आया। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा था मेरे घुटने के पास चोट लगी थी, उन्होंने अपनी फटाफट ट्राउजर को ऊपर किया और उठा के देखा तो एक चोट का निशान था। अब विपिन बाबू याद करने लगे कि मुझे ये चोट का निशान कब लगा और वो याद नहीं कर पाए कि उन्हें ये चोट का निशान कैसे और कब लगा। तभी अचानक विपिन बाबू के मन में दिनेश मुखर्जी का ख्याल आया। उनको याद आया कि उस समय दिनेश मुखर्जी भी रांची थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं उनसे इस बारे में पूछ लेता हूँ क्योंकि वो तो नजदीक ही बेनिंदन स्ट्रीट में रहते हैं, एक काम करता हूँ अभी उनसे जाके पूछ लेता हूँ और दिनेश से पूछ के मैं ये बात पता कर लेता हूँ।
लेकिन अगर मैंने दिनेश मुखर्जी से इस प्रकार से पूछा तो वो सोचेगा बिपिन बाबू पागल हो चुका है, और इस तरह से उससे पूछना बड़ा ही हास्यपद रहेगा, और फिर दिनेश मुझे बहुत बड़े बड़े ताने मारेगा। इसी प्रकार के विचार विपिन बाबू के मन में चलते रहे, तो विपिन बाबू ने सोचा अब कुछ भी हो जाए मुझे इस बात का पता तो लगाना होगा कि मैं 58 में रांची गया था या नहीं गया था, क्योंकि ये बात उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, और अगर किसी से इस बात का पता लग सकता है तो वो केवल दिनेश मुखर्जी है। अंततः उन्होंने अपना मन बना लिया कि वो फोन पे दिनेश मुखर्जी से बात करेंगे और उससे पता लगा लेंगे। उन्होंने दिनेश मुखर्जी को फोन किया और उसके बाद में कहा हेलो, उधर से आवाज आई, इधर से विपिन बाबू ने कहा दिनेश मैं विपिन बोल रहा हूँ। तो मुखर्जी ने कहा हाँ बताओ क्या खबर है। तो विपिन बाबू ने कहा बस मैं आपसे यही बात पूछना चाह रहा था कि आपको याद है 58 में अपने साथ में क्या हुआ था। मुखर्जी ने कहा 58 में क्या हुआ था। विपिन बाबू ने कहा क्या 58 में तुम कलकत्ता ही थे या कहीं बाहर भी गए थे। दिनेश मुखर्जी ने कहा मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। दिनेश मुखर्जी ने अपनी डायरी को चेक किया और बताया हाँ मैं 2 बार बाहर गया था, एक बार लगभग फरवरी में बाहर गया था कृष्णा नगर अपने नेफ्यू की शादी में, और उसके बाद में मैं रांची गया था। हाँ तुम भी तो मेरे साथ में रांची गए थे, क्या हुआ तुम इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो। तो तुरंत विपिन बाबू ने कहा नहीं नहीं बस मैं तो यही कहना चाह रहा था। इतने में उन्होंने धड़ाम से फोन रख दिया और वो सोचने लगे कि ये क्या हुआ, मुझे जिस बात का डर था ये तो वही हुआ। उनका सिर घूमने लगा, उनका अपने शरीर पर से नियंत्रण जाता रहा, और उनका जो लंच बॉक्स था उसमें सैंडविचेस थे, लेकिन अब उनकी इच्छा नहीं रही और वो कुछ भी खाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वास्तव में वो रांची गए थे या नहीं गए थे। लंच टाइम के बाद में विपिन बाबू ने सोचा अब ऑफिस में रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि 25 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं बहुत ही वफादारी से मेरा काम कर रहा हूँ, मेरी जो छवि है वो बहुत ही मेहनती ईमानदार और एक अच्छे कार्यशील व्यक्ति की है, और आज मेरा सिर चकरा रहा है इसलिए मुझे अपने घर चले जाना चाहिए, अब इस समय ऑफिस में रुकना ठीक नहीं है। इसलिए विपिन बाबू अपने घर चले गए, अपने घर पे जाके उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और वो सोचने लगे मैं किस प्रकार से पुरानी बातों को इतना जल्दी भूल सकता हूँ, और मेरी जो याददाश्त है वो तो बिल्कुल ठीक है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लगभग 7:30 बजे विपिन बाबू का नौकर आया और उसने कहा चुन्नी बाबू आए हैं, वो आपसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। विपिन बाबू समझ गए कि चुन्नी बाबू क्यों आए हैं। चुन्नी लाल जो है वो उनके स्कूल का दोस्त है, और वो जो है उसका बहुत ही खराब समय चल रहा है और वो किसी काम की तलाश में यहाँ आया हुआ है। अब इस समय विपिन बाबू का उनसे मिलना बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि विपिन बाबू खुद कसमकस में चल रहे थे, तो उन्होंने सोचा इस समय मैं चुन्नीलाल से नहीं मिलूंगा, और उन्होंने नौकर को कह दिया कि जाके कह दो कि इस समय मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि चुन्नीलाल जो है वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, तो हो सकता है उसे इस यात्रा के बारे में याद हो, मैं एक काम करता हूँ जाके उससे पूछ लेता हूँ। विपिन बाबू फटाफट नीचे गए और नीचे देखा कि चुन्नीलाल जो है वो उसका इंतजार कर रहा था। जाते ही उन्होंने कहा चुन्नी सुनो मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जैसा कि तुम्हारी जो याददाश्त है बहुत ही अच्छी है, और अपने दिमाग पे जोर डाल के याद करो क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी ने कहा 58 और 59 शायद आप रांची गए थे। तो विपिन बाबू ने कहा क्या तुम्हें पूरा विश्वास है। अब चुन्नीलाल के चेहरे पे जो भाव थे वो बड़े ही अजीब थे। चुन्नीलाल ने मुझसे कहा क्या तुम कह रहे हो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। तब विपिन बाबू ने फिर से पूछा क्या तुम्हें पूरा पूरा याद है मैं गया था। चुन्नीलाल ने कहा बिल्कुल बिल्कुल तुम गए थे, मुझे ये पूरी तरह से याद है। क्या तुमने कोई ड्रग्स ले ली है या कोई नशा किया है।
आज तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया है? जहां तक मुझे याद है, हमारी दोस्ती से तो तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहा, परंतु तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी थी। आज तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया? पुरानी बातों को तुम कैसे भूल गए? क्या तुम्हें इतना तो याद है मेरी अंतिम नौकरी कौन सी थी? तो विपिन बाबू ने कहा, हाँ मुझे याद है, तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम किया करते थे। चलो अच्छा, तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रेवल एजेंसी में काम किया करते थे, तो ये भी याद करो कि मैंने तुम्हारी जो है वो रांची के लिए बुकिंग कराई थी, और स्टेशन में तुम्हारे साथ गया था तुम्हें छोड़ने के लिए, और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक पंखा ढंग से काम नहीं कर रहा था, तब मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था और उसे सही करवाया था। क्या ये भी तुम्हें याद नहीं है? लगता है तुम अपना आजकल सही ढंग से देखभाल नहीं कर रहे हो। विपिन बाबू ये बात सुन के काफी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आजकल बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो लगता है इसी कारण से मेरी याददाश्त में थोड़ी दिक्कत हो गई है। लगता है कि मुझे एक अच्छे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। विपिन बाबू को अपने हालातों पे छोड़ के चुन्नी लाल जो है वो बिना किसी बात को कहे हुए अपने घर चला गया। चुन्नी लाल वास्तव में एक नौकरी के सिलसिले में विपिन बाबू से मिलने के लिए आया हुआ था, परंतु अब उसने देखा कि विपिन बाबू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो बिना नौकरी की बात किए अपने घर चला गया। विपिन बाबू परेश चंदा नाम के एक अच्छे डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने उनकी पूरी तरह से जांच की और विपिन बाबू ने डॉक्टर से कहा, देखिए डॉक्टर चंदा, मैं इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, और इस बात से मेरा काम जो है वो बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है, इसलिए आप इस भयानक बीमारी से मेरा छुटकारा करवा दीजिए। डॉक्टर चंदा ने अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मिस्टर चौधरी, आप जो बात कह रहे हैं ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं सुना है, क्योंकि आपको सारी बातें याद है, केवल आपको एक बात याद नहीं है कि आप रांची गए थे। डॉक्टर ने कहा, मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा, एक बार फिर से आप रांची चले जाइए और उन सब जगह की यात्रा कीजिए जहां आप गए थे, क्योंकि ऐसा करना मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार फिर से वहां पे जाएंगे तो उस समय आपको हो सकता है पुरानी बातें याद आ जाएं और आपकी जो याददाश्त है वो बिल्कुल से ठीक हो जाए। तब तक मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयां दे रहा हूँ जो आपके तनाव को दूर करेंगी। अगली सुबह विपिन बाबू ने थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद में रांची का एक टिकट कटवा के रांची की तरफ रवाना हो गए। विपिन बाबू रांची पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद में उन्हें ऐसा लगा कि वो कभी भी रांची नहीं आए हैं। वो स्टेशन से बाहर आए, उन्होंने एक टैक्सी ली और यहाँ वहां थोड़ी देर घूमे, परंतु सब कुछ उन्हें अनजाना सा लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने जीवन में पहली बार रांची आए हैं, पहले कभी भी उन्होंने रांची की यात्रा नहीं की है। थोड़ी देर बाद में वो गलियों में और होटलों में और बाजार में और चारों तरफ घूमने लगे, परंतु उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं हुड्रो फॉल्स जाके आता हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया था कि मैं हुड्रो फॉल्स भी गया था। उन्होंने एक कार की व्यवस्था की और वो हुड्रो फॉल्स चले गए, और हुड्रो फॉल्स पहुंचने के बाद में भी उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये उनके साथ में क्या हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि वो रांची गए थे, परंतु आज जब वो रांची आए हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लगभग 5 बजे दो गुजराती लोगों ने जो पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे, उन्होंने विपिन बाबू को बड़े से पत्थरों के पास में बेहोश पाया और वो उनके पास में आए। तब विपिन बाबू ने उनसे कहा, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची है, मैं पूरी तरह से तबाह हो चुका हूँ। अगली सुबह विपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए और उन्होंने सोच लिया कि मेरी जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची है, मैं धीरे धीरे अपनी याददाश्त को खोता जा रहा हूँ। उनका आत्मविश्वास अपने ऊपर से उठ गया और उन्होंने सोचा कि अब मुझे पागल खाने जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने
डॉक्टर चंदा को बुला लिया कि आप मेरे पास आ जाना। फिर वो नहाने के लिए चले गए और अपने बेड पे आराम करने लगे। तभी उनका नौकर एक पत्र उनके पास लेके आया। उस पत्र में ऊपर लिखा हुआ था, ये पत्र बहुत ही गोपनीय है। हालांकि विपिन बाबू का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था, परंतु उन्होंने सोचा क्यों न इस पत्र को पढ़ लिया जाए। उस पत्र में लिखा था, प्यारे विपिन, मुझे ये पता नहीं था कि समृद्धि जो है वो तुम्हारे अंदर इस प्रकार का बदलाव लाएगी। जैसे ही तुम पैसे वाले बन गए, तुम्हारा व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। तुमने अपने दोस्त के दुर्भाग्य को भी नहीं समझा। मेरे पास कुछ पैसा नहीं था और मेरे संसाधन जो थे वो बहुत सीमित थे, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, वो थी मेरी परिकल्पना। और उसी परिकल्पना के सहायता से मैंने तुम्हारे व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। अब मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अब तुम वापस से ठीक हो जाओगे। मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ और मैंने एक पब्लिशर को दे दिया है और शायद उसे वो पसंद भी आ गया है, और तुम अगले कुछ महीनों में ही मेरे उस नॉवल को देखोगे। तुम्हारा दोस्त चुन्नीलाल। अब विपिन बाबू सारी बात को समझ चुके थे कि उन्होंने चुन्नीलाल की सहायता नहीं की, इसलिए चुन्नीलाल ने उनके साथ में ये चालाकी खेली थी और उन्हें मूर्ख बना दिया। और चुन्नीलाल ने अपनी योजना में सारे दोस्तों को और अन्य पात्रों को भी मिला दिया। थोड़ी देर बाद में डॉक्टर चंदा आए तो उन्होंने पूछा कि आप रांची जाके आए, अभी आपको कैसा फील हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं रांची जाके आया तो मैं बिल्कुल अब ठीक हो चुका हूँ। तो डॉक्टर चंदा जो है वो बिल्कुल खुश हो गए। डॉक्टर चंदा ने कहा, मेरे मेडिकल इतिहास का ये पहला केस होगा जो इस प्रकार से सॉल्व हुआ है। तो विपिन बाबू ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि गिरने के कारण मुझे थोड़ी चोट लगी है और मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, तो क्या आप मेरे लिए एक दर्द की दवा लिख सकते हैं? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ इस क्लास के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं।